क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सभी क्रिकेट फैंस को याद होगी, जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और हार्दिक पांड्या के रन आउट होते ही भारत मैच भी हार गया था, क्योंकि उस दिन पांड्या ने 43 बॉल पर 76 रन बनाए थे और पांड्या को आउट करने के पीछे रविंद्र जडेजा को गुनहगार माना गया। यही नहीं, लोगों ने जडेजा को खासा ट्रोल भी कर दिया। अब पहली बार हार्दिक पांड्या ने उस रन आउट पर खुलकर बात की है और उसके बाद की कहानी भी बताई है, तो आपको बताते हैं क्या कहा पांड्या ने और फिर अगले एक महीने तक क्या क्या हुआ टीम इंडिया में। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें। तो हार्दिक पांड्या इन दिनों अपने घर पर हैं और जल्द ही पिता भी बनने वाले हैं। इसी बीच कमेंटेटर हर्षा भोगले ने हार्दिक पांड्या से बात की और इस बातचीत में पांड्या ने कई खुलासे किए हैं और पांड्या ने पहली बार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के ऐतिहासिक रन आउट के बारे में भी बात की है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में वो काफी अच्छा खेल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि जब तक हम दोनों हैं हम मैच को जीत सकते हैं और उस दिन मेरी हिट्स भी अच्छी लग रही थी। पांड्या ने कहा कि जब गलत कॉल पर मैं रन आउट हो गया तो मैं काफी गुस्सा हुआ था क्योंकि मैं मैच को जिता सकता था और अचानक आए गुस्से में ही पांड्या ने मैदान में ही बैट को पटक तक दिया था और जडेजा को मैदान पर ही काफी कुछ कहा था। इसके बाद तो जडेजा को पूरे देश ने जैसे विलन बना दिया और जडेजा को काफी ट्रोल किया गया। यहाँ तक कहा गया कि जडेजा तो पाकिस्तानी टीम से मिला हुआ था। अब इस पर पांड्या का कहना है कि मैं अगले दिन तक परेशान था और फिर मैंने फ्लाइट में जड्डू से माफी मांगी क्योंकि मेरी वजह से जड्डू को लोग बुरा भला कह रहे थे। यही नहीं, पांड्या ने बताया कि उस वक्त तो जडेजा ने उन्हें कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बात की, लेकिन अगले एक महीने तक भी जडेजा ने उनसे ढंग से बात नहीं की। हालांकि बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया, यानी उस रनआउट पर वाकई पांड्या गुस्सा हुए थे जिसका खामियाजा जड्डू को भुगतना पड़ा। तो आपका पांड्या के इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।